नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूँ शोभा। शोभा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, रक्षाबंधन आने वाली है तो हम कुछ अलग से मिठाई बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मिठाई। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसको गर्म करेंगे। एक कटोरी मूंगफली हम लेंगे और इसको हल्की आंच में हम रोस्ट कर लेंगे। पहले थोड़े से फ्लेम को हम हाई कर देंगे, फिर बाद में हम इसे लो फ्लेम में ही रोस्ट करेंगे, जिससे हमारी मिठाई का कलर अच्छा आए। ये हमारी मूंगफली सिक गए हैं। हम इसे ज़्यादा नहीं सिकेंगे क्योंकि ये हल्की भुनी हुई होनी चाहिए, और ताकि हमारे मूंगफली के छिलके अच्छे से निकल जाए। हमारे सीख गए। अब इसे हम एक कपड़े में डाल लेंगे। कपड़े में हम डाल लेंगे, आप चाहे तो छोटा टॉवल या नैपकिन ले सकते हैं। ऐसे ये करके किसी चीज़ से हम थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे मूंगफली के छिलके आसानी से उतर जाए। ये हमने मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं। तो हमने थोड़ा सा कम सिक्का है, थोड़ा क्योंकि छिलके रहते तो हमें पता नहीं चलता। छिलके समेत अगर हम ज़्यादा सीखते तो ज़्यादा सीखने का डर रहता था, इसलिए हम हल्का सा और रोस्ट इसको कर लेंगे। थोड़ा सा हम हाई करके फिर थोड़ा सा लो फ्लेम में करके इसे हम सेकेंगे हल्का सा, और ज़्यादा नहीं सेकेंगे लेकिन थोड़ा सा और हल्का सा हमें इसके कलर चेंज चाहिए हमें थोड़ा सा। ये देखिए हमारे सिक गए, बस अभी से हम ठंडा करेंगे। ये हम एक डेढ़ कप दूध लिए हैं, इसे हम सुखाएंगे दूध को अच्छे से। जब तक हमारी मूंगफली ठंडी होती है तब तक हम इसे पका लेंगे और चाशनी रेडी कर लेंगे हम। ये हमने आधा कटोरी चीनी ले लिए, एक कटोरी मूंगफली था हमारे, आधा कटोरी चीनी ले लिए और आधा से आधा कटोरी हम पानी ले लेंगे। घुलने तक पकाएंगे हम इसे। तार की चाशनी नहीं बनाने हमें, थोड़ी सी चिपचिपा तार से, एक तार से भी कमती हमें चाहिए। यह हमारी चाशनी बनने वाली है, हम देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी जो तार सी बनेगी तो इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी हो गई है। बस अब इसे गैस को हम ऑफ कर देंगे। इधर हम दूध को देखेंगे, दूध में हम मलाई नहीं जमने देंगे, इसे बार बार चलाते हुए हम इसे गाढ़ा करेंगे। गाढ़ी हो जानी चाहिए हमारी दूध। हमारी दूध भी पक गई है, अब इसे हम एक बार के लिए बंद कर देंगे गैस को। हमारी मूंगफली ठंडी हो गई, अब इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हम फाइन पेस्ट कर लेंगे। रुक रुक के पीसेंगे, एकदम कंटिन्यू नहीं पीसेंगे, नहीं तो ये हमारे तेल छोड़ देंगे। ये हमने मूंगफली को पीस लिए हैं, अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। हम इसमें 3 बड़ा चम्मच अमूल मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये हमारे अमूल स्प्रे है, ये डालेंगे। ये डालने से जो चाय कॉफ़ी वाले हैं वो नहीं डालेंगे हम, इसमें डालने से क्या इसमें फुल टेस्ट भी अच्छा आता है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने मिक्स कर लिया,
अब इसको हमने जो चाशनी बना रखा था हमने उसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे मूंगफली और अमूल दूध पाउडर के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मूंगफली को पकने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दी थी है, जिससे हमारी मूंगफली पक जाए और मावा के फ्लेम में आ जाए। हमारी ये जो भी ये मूंगफली का वो भी हमारे पकने वाले हैं, पक गए। हम कैसे पता लगाएंगे इसे देखेंगे। हमारा ये थोड़ा सा लेके हम देखेंगे ठंडा होने के बाद। ये हमारा ये देखिए ठंडा होने के बाद ये हमारा पक गया, मतलब इसका मतलब हमारा ये रेडी हो गया। अब इसमें हम बाकी का सामान भी ऐड कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर, 1 बार ऑफ कर दिया था इसे, और अच्छा से हम इसे मिक्स कर लेंगे। वैसे गैस नहीं, हमने घी डाला है तो थोड़ा सा, इसीलिए नहीं तो हमें गैस बिना ऑन किए भी हमारा हो जाता है ये मिठाई रेडी। ये हमारा मूंगफली का मिठाई रेडी हो गया। इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। प्लेट में हमने घी से ग्रीस कर लिया इसे। इसको डो को हम इसमें डाल देंगे। इसको हम एक चम्मच के सहायता से बराबर कर देंगे हम इसको। इसे हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका दूसरी लेयर रेडी करेंगे। हमारी दूध भी बहुत गाढ़ी हो गई देखिए। अब इसमें भी हम बाकी सामान ऐड कर देंगे। हमने 1 चुटकी फूड कलर डाल दी है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो नहीं तो ऐसे ही बना लीजिए। और इसको मिठास के लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क थे इसलिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क ही डाल रही हूँ। इसे थोड़ा पका लेंगे हम। थोड़ा सा बादाम काट के डाल देंगे और थोड़े से हम गार्निश के लिए रखेंगे। कटोरी डालेंगे ये बूंदिया, जो ड्राई बूंदिया आती है वो हम डालेंगे। आप चाहे तो घर में भी बना सकते हो, मैं बाजार से लाई थी। हमारे ये भी रेडी हो गए। अब दूसरी लेयर के लिए जो हमने मूंगफली का बर्फी बनाने के लिए रखे थे उसके ऊपर हम अब इसको डाल देंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे। हमने दूसरी लेयर भी इसके ऊपर लगा दिया। अब इसे हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने रख देंगे सेट होने के लिए। ये बादाम, कुछ बादाम है कटे, उससे हम गार्निश कर देंगे। देखिए हमने 2 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया था, तो ये हमारी मिठाई सेट हो गई। अब इसको हम कटिंग करेंगे। आप अपने मनचाहे आकार का काट लीजिएगा डिजाइन से।
फ्रेंड ये हमारी मिठाई बनके रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, जितने सुंदर है उतना ही खाने में टेस्टी है, मज़ेदार है। इस राखी में आप ज़रूर इस मिठाई को ट्राई करिएगा, मुझे पता आपको अच्छा लगेगा। मेरे अगर मेरी ये डिश आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।